स्क्रैच दिख रहा है ये बोकुल इधर पे आरटी हो रहा है अभी। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और आज में है दुर्गा पूजा का सेकंड डे और अभी हम लोग जा रहे हैं बोकुल पे क्योंकि उधर पे बलि देने वाला है आज में तो वही देखने जा रहा है और प्लस उधर में बहुत बड़ा पूजा होता है तो इस साल कैसे होता है पता नहीं तो वही देखने जा रहा है। ये है बोकुल और आगे में पूजा हो रहा है तो चलते आगे में। तो ये बोकुल और शायद पता नहीं अभी पूछना पड़ेगा ये डबे बलि हो गया या नहीं हुआ है। सो आजकल लेता है नहीं वो भी पता नहीं। मूर्ति यहाँ पे सबसे बड़ा मूर्ति इधर पे होता है लेकिन इस साल क्या हो गया ना लॉकडाउन की वजह से इधर पे भी बहुत छोटा बनाया है उस एरिया पे होगा बलि तो वो दिखा नहीं सकते सॉरी ये तो यूट्यूब से मेरे को उड़ा देगा। इधर पे आप शायद स्क्रैच दिख रहा है ये स्क्रैच। सो गाइस अभी जो मैंने आपको स्क्रैच दिखाया तो वो लगा कैसे कि मतलब एक अंकल गाड़ी चला के मतलब मेरा साइड से ऐसे करके लेके गया। मैं अपना साइड में था मैं लेफ्ट साइड से आ रहा था वो मतलब मेरा ऑपोजिट साइड से आ रहा था राइट साइड से। सो क्या हो गया कि अंकल ने थोड़ा सा पिकअप दे दिया और मेरा पूरा साइलेंसर का साइड में लगा के पूरा स्क्रैच बिठा दिया। मेरा साथ में जो बैठा हुआ था मेरा दोस्त सुब्रतो उसको उसके पास ही मेरा कैमरा था तो उसको बोला तुम उतरो मैं बाइक घुमाता हूँ ठीक है। जैसे मैंने बाइक घुमाया मतलब बाइक घुमा के पकड़ने जाऊँगा कि ऐसे अंकल मतलब पूरा पिकअप देखो वहाँ से निकलने का ट्राई कर रहा था ठीक है। मैंने बहुत जोर से चिल्लाया लेकिन सुनने के बाद भी अंकल रुका नहीं बाइक को फाड़ के जैसे जैसे करके अंकल को रुखाया आगे में जाके अंकल ने मेरे को तो उधर पे मतलब मेरा बाइक में स्क्रैच बिठा दिया और ऊपर से खुद का गलती भी नहीं मान रहा था तो बोला ये मेरा गलती नहीं है साइड में एक रिश्का था तो रिश्का की वजह से मैंने थोड़ा सा साइड में कर लिया और तुम्हारा बाइक में लग गया ठीक है। सो अगर रिश्का था तो मैंने बोला कि आपको ब्रेक मारना चाहिए ना तो बोलता है ब्रेक नहीं मार पाया मैं मेरा साइड से निकल गया और खुद का गलती मान ही नहीं रहा था अंकल। ऊपर से मैं स्टूडेंट हूँ ठीक है तो स्क्रैच बैठ जाने से कुछ भी हो जाने से मेरा बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। मैं तो मतलब इनकम भी नहीं करता हूँ ना कि कुछ हो जाने से मैं मतलब पैसा देके उसको ठीक कर पाऊँ रिपेयर कर पाऊँ। और वो लोग बोल रहे हैं कि एक एजेड आदमी से ऐसे करके रफली बात नहीं करना चाहिए। यार एक तुम लोग अगर एजेड हो तुम्हारा अगर इतना एज है तो इतना तो नॉलेज होना चाहिए ना खुद अगर गलती किया तो मान लो ना। वो लोग एज उन लोगों का एज ज़्यादा है तो उन लोग गलती कर ही नहीं सकते वही बोल रहे हैं वो लोग बोले। और फिर मैंने बोला अगर आप लोगों का गलती नहीं था तो मैंने जब चिल्लाया तो आप लोग रुका क्यों नहीं तो बोला कि नहीं मैं थोड़ा सा जल्दी में निकल गया मतलब क्या बोलूँ और मतलब पूरा मूड का मतलब सत्यानाश कर दिया क्या बोलूँ। तो अभी कुछ खाने जाएगा फिर उसके बाद घर जाएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। अभी हम लोग आ चुका है 99 फूड अड्डा और हम लोग ने ऑर्डर दे दिया है। मैंने ऑर्डर दिया है एक पनीर रोल और एक कोल्ड ड्रिंक और एक फ्रेंच फ्राई। नाउ वी आर ड्रिंकिंग पेप्सी स्वैग से सिंगल। मेरा एक अभी जो लैपटॉप का रैम था उसको मैंने ऑर्डर किया है तो वो अभी आ रहा है। सो गाइज रैम मिल चुका है ये रहा XPG का रैम है 8GB का रैम है और अभी इसको लगा के GTA 5 खेल के देखते हैं कि और कितना स्मूथ चलता है। स्मूथ तो बहुत ही अच्छा चल ही रहा है तो देखते हैं कैसा चलता है आपको दिखाते हैं अभी। मेरा लैपटॉप का बैक साइड का डिज़ाइन हनीकॉम स्टाइल पे है तो ये खोल रहा है ये खोल के रैम लगाएगा मेरे को पता नहीं कैसे लगाता है। ईजी है बहुत ही ईजी आपको दिखा दूंगा कि कैसे करके लगाना है इसको अच्छा से पता है मेरे को भी पता है लेकिन लगाने में थोड़ा सा डर लगता है अगर कुछ उल्टा उल्टा हो गया तो फिर टूट भी सकता है तो इसलिए अच्छा से देख के लगाना। अब एक भाई ने मेरे को लास्ट वीडियो पे नीचे में कमेंट किया था कि उसको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए कि जो लैपटॉप का लाइफ थोड़ा सा बढ़ा दे इंक्रीज़ कर दे तो कुछ टिप्स है मेरे पास मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि आप लोग गेम खेलते हैं गेम खेलने के बाद जैसे गेम खेलना हो गया तो आप लोग डायरेक्टली शट डाउन मत कीजिए लैपटॉप को। तब क्या होगा ना जो वो लैपटॉप GPU पावर यूज़ कर रहा है वो गर्म हो जाता है अंदर से सो उसका हीट सब बाहर नहीं निकलता है अगर आप लोग डायरेक्ट शट डाउन कर देते हैं तो अंदर में ट्रैप होके रहता है तो वो मतलब थोड़ा सा लैपटॉप जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए
जब भी आपका गेम खेलना हो जाता है तो थोड़ा टाइम रखिए उसको, जब लैपटॉप थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर आप लोग उसको शट डाउन कर सकते हैं। और दूसरा और एक टिप देना चाहूँगा कि अगर कुछ खाते हैं आप लोग लैपटॉप का सामने मत खाइए, चींटी आ सकता है। तो अगर वो लोग कॉलोनी बना लिया लैपटॉप में तो फिर हो गया भाई आपका, तो फिर नेक्स्ट डे आप लोगों को एक शोक सभा बुलाना पड़ेगा अपना लैपटॉप के लिए, टाटा बाय बाय कर ही देना पड़ेगा, क्योंकि एक बार चींटी घुस गया अंदर पे तो बाय बाय टाटा ख़त्म, वो लैपटॉप ख़त्म है। ये कुछ ऐसा दिखता है अंदर से, इधर पे HDD लगेगा, ये बाद में खरीदूंगा अभी पैसा नहीं है। तो इधर पे रैम लगाना पड़ेगा, इधर पे रैम स्लॉट है, सभी खोलते हैं, खोलो। अगर आपको रैम लगाना है सेमी अगर है तो इधर पे मिलेगा आपको लगाने के लिए, जैसे वो पहले जो मिलता रहा वीडियो गेम का चिप गेम खेलने के लिए। हो गया ना जल्दी, इधर पे रैम दिखा रहा है मेरा 8GB था पहले, तो अभी हो गया 16GB आप लोग देख सकते हैं। सेटिंग फुल हाई है और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि स्मूदी है, पहले भी स्मूदी था, इसमें ज़्यादा मेरे को कुछ फ़र्क पता नहीं चलेगा अभी, तो जब मैं और भी थोड़ा सा हाई एंड गेम खेलूँगा जैसे कि रेड डेड रिडेम्पशन 2 या फिर एसेसिन क्रीड वेलहेला, तब मेरे को मतलब पता चलेगा, तब मेरे को पता चलेगा कि कितना पावर यूज़ कर रहा है ये। सो गाइस जैसे कि मैं रेडी हो चुका हूँ, पहली बार टक करके पहना है, तो नीचे कमेंट करना कि कैसा लग रहा हूँ। और अभी हम लोग जाने वाले पूजा देखने के लिए, कल में तो सारा पूजा दिखाई दिया आप लोगों को और जो पास में था वो सब नहीं दिखाया, तो आज मैं वही दिखाने वाला हूँ हम लोगों को। सो गाइस अभी हम लोग आ चुका है कालीबाड़ी, इधर पे है काली मंदिर और इधर पे है दुर्गा पूजा, इधर पे दुर्गा पूजा होता है इस साइड पे और इस साइड पे है काली मंदिर। तो एक्चुअली मैं इधर पे आया हूँ क्योंकि पापा ने भोग दिया था इधर पे, तो वही लेने के लिए आया हूँ। तो ये भी हम लोग का घर का पास ही है, बहुत सुंदर बनाया पेंडल। तो यहाँ पे भी एक पूजा हो रहा है, पूजा हो रहा है घर का सामने। तो गाइस अभी हम लोग मार्केट में आ गए और इधर पे एक पूजा हो रहा है, आपको लोगों को दिखाता है, इधर पे आरती हो रहा है अभी। तो गाइस आप लोग देख पा रहे हैं, मतलब पता नहीं देख पा रहे हैं या नहीं, लेकिन पूरा इधर पे गाड़ी का लाइन लगा हुआ है और हम लोग बाइक लेके रखा है तो इसलिए थोड़ा सा बच गए। अगर आप लोगों को निकलना है देन पैदल ही निकलो, नहीं तो बाइक लेके निकलो, वही बेस्ट होगा। ये तो गाड़ी लेके अगर निकला आप लोग तो हो गया यार, पूरा देख रहा है पूरा लाइन लगा हुआ है। आज में तो सेकंड डे है, लेकिन अगर थर्ड डे होता तो और भी ज़्यादा भीड़ होता। मौसम भी है क्या रिगेन एनर्जी, तो इस बार कुछ अच्छा लाइटिंग से बनाया है, आगे में हो रहा है पूजा। ये इधर पे बहुत ही अच्छा चीज़ कर रहा है, बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है इधर, मास्क देखिए, मैंने मास्क में मास्क रखना भूल गया। और ये रहा यहाँ का दुर्गा मूर्ति। सो गाइस अभी हम लोग का पूजा धुना तो हो गया है, तो कुछ खाने के लिए पेट पूजा और इसके बाद चला जाऊँगा घर। तो आज का ब्लॉग इतना ही था, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। हेलो चैनल, वेलकम टू माय गाइस।